बहुत बड़ी सवाल यह है कि इसे इस हाल में पहुंचाने के लिए कौन है दोषी? अब बताइए, उस आदमी का दांत देना होगा जो आदमी इस कमजोर पिलर पर आसानी से चढ़ करके झंडा और बैनर टांगने का काम करता है, उन्हें यह क्यों नहीं दिखता है कि बताइए ये इस तरीके से झुक चुका है और कभी भी इस पर चढ़ने के बाद गिर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर चढ़ते भी हैं और बैनर भी लगाते हैं और इसे बार बार गिरने के लिए, टूटने के लिए मजबूर करते हैं। एक बात बताइए कि ये सारी चीजें जो आप तामझाम देख रहे हैं, लाइटें देख रहे हैं, ये लाइट जो है क्यों लगाई जाती होंगी? इसीलिए ना, क्योंकि रात में चालकों को अंधेरा ना मिले, किसी भी कारण की वजह से जो है एक्सीडेंट ना हो, और एक्सीडेंट हो भी तो उसमें जो है अंधेरा एक कारण ना बने। लेकिन जरा देखिए कि बिहार का दुर्भाग्य क्या है कि जितनी भी लाइटें आपको मिलेगी स्मार्ट सिटी हाजीपुर बिहार में, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा मशक्कत और बड़ी मेहनत करके जो है झंडा टांगने का और बैनर लगाने का नाकाम प्रयास इस तरीके से किया गया है, जिससे आप देखेंगे तो जूम करके दिखाइए कि आप बताइए मुझे कि वो दरार, यानी कि लाइट के बेस पर वो दरार क्यों पड़ी होगी। अब जरा ये भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए किस तरीके से हर लाइट जो है अपनी जगह से झुकी हुई है, हर लाइट जो है कहीं ना कहीं समझिए उसका बेस जो है बेस में जो है दरार पड़ चुका है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ एक दिन ऐसा भी होगा तो ये लाइट गिरने के कगार पर पहुंच जाएगी और इसका दोषी कौन होगा? जरा बताइए कि किस तरीके से जो है ये सस्ता प्रचार करने का जो ये काम किया जा रहा है, ये कैसा है? जो सरकार ये दावा करती है, ऐसे बैनर लगा लगा करके पोस्टर के माध्यम से ये दावा करती है कि मैं जो बिहार का बिहार में अंधकार, जो भी अंधकार रूपी चीजें हैं उसे दूर कर दूंगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अंधकार को दूर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अंधकार को जो अभी दूर कर रहा है, रोशनी रूपी जो ये लाइट है वो हकीकत में अभी अंधकार को, अंधेरे को दूर कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको भी दूर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बताइए, अब जरा देख लीजिए इस पर भी झंडा फहराने की कला को देख लीजिए, और सामने देखेंगे तो ये भी पाएंगे आपकी ये भी कहीं ना कहीं इसका बेस जो है पूरा फट चुका है। अब बताइए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जरा करीब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इसका भी बेस फटा हुआ और ये कभी भी गिर सकता है। अगर आपको झंडा लगाने का इतना ही शौक है तो आइए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल आपको दिख रहा है, ये एक बार इस पर जो है चढ़ करके हम लोग झंडा लगाने का काम करते हैं। यकीन मानिए कि झंडा, इस पर झंडा लगने के बाद पूरा बिहार देखेगा, हाजीपुर तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन कृपया करके ऐसे ऐसे लाइट जो कहीं ना कहीं चालक को और बिहार को बदलता, बिहार को और स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाए रखने के लिए मदद करता है, उसे खराब करने का प्रयास न किया जाए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, यही सस्ता प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार और समझिए बिहार सरकार की सामानों को क्षतिग्रस्त करते रहेंगे। एक छोटा सा गुटखा छाप कलाकार कहिए या गुटखा की प्रचार कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्टर पर दिख जाता है। अगर प्रयास ही करना है तो आइए ना, इसमें से बहुत सारे लाइट ऐसे भी होंगे जिसका आंख अंधा होगा, वो अंधेपन को दूर करिए ना, मोतियाबिंद का इलाज इसका कीजिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं समझिए कि ये वो आंखें हैं जो कहीं ना कहीं अंधेरे में सभी चालकों के, कहीं ना कहीं दुपहिया चालक या फिर बड़े से बड़े गाड़ी कार चालक के आंख बने हुए हैं, इसका इलाज कीजिए ना, ताकि कहीं ना कहीं इसके आंखों से इससे निकलने वाले रोशनी पर समझिए कि चालकों को राह दिखता रहे, उसका एक्सीडेंट ना हो, उसका परिवार खुशी रहे, बिहार बदले। कहीं ना कहीं आपकी सोच में जो चीजें हैं उसको बदलिए ना। देखिए नितिन गडकरी जी, देखिए इस चीज को आप, देखिए बिहार की जनता कहीं ना कहीं आपके पैसों का, आपके टैक्स का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। देखिए इस दृश्य को देखिए आप कि ये लाइट किस हाल में है, गिरने के कगार पर है, उसके बावजूद भी देख लीजिए कि किस तरीके से जो है इस पर झंडा फहरा रहा है। आखिर इस हाल में, इस लाइट को इस हाल में ले जाने के लिए कौन है दोषी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अब देखिए यहाँ पे तो कोई गाड़ी आके से टक्कर नहीं मार सकती है, क्योंकि गाड़ियां नीचे चलती है, इधर चलती है, बीच में नहीं चलती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं बिहार की संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। बाकी इन सारी चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।